हाई फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी विल प्रूव दैट एवरी फील्ड इज नेसरी एंड इंट्रीगल डोमेन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू मतलब कि जो फील्ड है हर फील्ड इंट्रीगल डोमेन होगा मगर जो इंट्रीगल डोमेन होगा वो जरूरी नहीं कि फील्ड होगा ठीक है ट इज कि हमको पहले ये प्रूव करना है कि जो फील्ड है वो इंट्रीगल डोमेन है और फिर ये दिखाना है कि जो इंट्रीगल डोमेन है वो जरूरी नहीं कि वो फील्ड होगा हमेशा ठीक है सो so, इसको प्रूव करने से पहले फील्ड क्या होता है इंट्रीगल डोमेन क्या होता है दोनों के बीच में डिफ्रेंस क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं ठीक है सो ए कमोटेटिव रिंग विथ यूनिटी को हम लोग फील्ड तब बोलते हैं और इंट्रीगल डोमेन कब बोलते हैं फील्ड तब बोलते हैं अगर उसमें इन्वर्स लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन वाला क्रिटेरिया को सेटिस्फाई करे तब हम उस कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी को फील्ड बोलते हैं और अगर उसमें नो प्रॉपर जीरो डिवीजर हो ठीक है नो प्रॉपर जीरो डिवीजर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंट्रीगल डोमेन बोलेंगे ठीक है सो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी क्या है प्रॉपर जीरो डिविजर क्या है उसको हम प्रीवियस वीडियो में समझा चुके हैं तो अगर आपको आता है तो ठीक है और नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां पे रिंग थ्योरी का प्ले होगा वहां से आप लोग देख सकते हैं ठीक है सो so, एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी को हम लोग फील्ड तब बोलते हैं जब उसमें इनवर्स लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन वाला क्राइटेरिया उसको सेटिस्फाई करता है और कम्युटेटिव रिंग विथ यूनिटी को हम लोग इंटरीगल डोमेन तब बोलते हैं जब वहाँ पे नो प्रॉपर जीरो डिवीजर हो अंडर मल्टीप्लीकेशन ठीक है सो हमको प्रूव करना है कि जो फील्ड है वो इंट्रीगल डोमेन है तो हमको क्या प्रूव करना होगा कि जो फील्ड है उसमें नो प्रॉपर जीरो डिवीजन अंडर मल्टीप्लीकेशन वाला क्रिटेरिया को सेटिस्फाई करता है ठीक है सो हमको पहले यही काम करना है कि जो फील्ड है उसको नो प्रॉपर जीरो डिवीजन वाला क्रिटेरिया सेटिस्फाई करता है वो दिखाना है तब हम दिखा देंगे कि वो एक इंट्रीगल डोमेन भी है फिर हमको कन्वर्स पार्ट में क्या करना है कि जो इंट्रीगल डोमेन है वो फील्ड नहीं होगा जरूरी नहीं कि हमेशा फील्ड होगा वो दिखाना है तो हम को क्या इसमें करना होगा कि जो इंट्रीगल डोमेन है उसको हम दिखाएंगे कि वो इनवर्स लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन वाला क्रिटेरिया को हमेशा होल्ड नहीं करता है इसीलिए जो इंट्रीगल डोमेन है वो जरूरी नहीं कि वो फील्ड होगा ठीक है सो लेट स्टार्ट नाउ हम सबसे मान, पहले मानेंगे क्या कि हमारे पास कोई फील्ड है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट किए एफ अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लीकेशन दैट इज एफ प्लस स्टेर बी अड ठ ठ ठ ठ ठी सो ये हमारा फील्ड है हमको क्या प्रूव करना है वी हैव टू शो दैट इट इज एन इंट्रीगल डोमेन ठीक है नाउ सिंस एफ इज अ फील्ड क्योंकि एफ फील्ड है तो वो क्या है वो एक कमुटेटिव रिंग विथ यूनिटी है ही सो so, उसको इंट्रीगल डोमेन प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना होगा वी फॉर इंट्रीगल डोमेन वी हैव टू शो दैट इट हैज़ नो प्रॉपर जीरो डिवीजर नो प्रॉपर जीरो डिवीजर का मतलब कि अगर ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ देन आइदर ए जीरो होगा और बी जीरो होगा ठीक है सो नो प्रॉपर डिविजर का यही मतलब है यही हमको प्रूव करना है कि अगर ए बी जीरो हो रहा है तो या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा अगर हम ये कंडीशन फुलफिल कर दे तो हम बोलेंगे कि जो हमारा फील्ड है वो एक इंट्रीगल डोमेन भी है ठीक है सो so, कैसे प्रूफ करेंगे हम इसको ऐसे प्रूव करेंगे कि हम सबसे पहले मान लिए कि ए जीरो नहीं है ठीक है ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट है तो क्योंकि एफ फील्ड है ए इन्वर्स तो एफ में बिलोंग करेगा ही क्यों क्योंकि फील्ड में इन्वर्स लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन वाला क्रिटेरिया हमेशा फुलफिल करेगा सो so, ए जब हम ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो माने तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ होगा ही इज पॉसिबल सिंस बाय इनवर्स लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन इस इक्वेशन को हम लोग वन लिए दैट इज ए बी इज इक्वल टू जीरो और हम क्या करेंगे कि ए इनवर्स को दोनों तरफ दैट इज यहाँ पे और यहाँ पे एल एच एस और आर एच एस में प्री मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब पहला मतलब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हम लोग को क्या मिलेगा ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट जीरो ठीक है नाउ क्योंकि ये फील्ड है तो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है सो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी और क्योंकि हम लोग अंडर अंडर मल्टीप्लीकेशन एफ को डिफाइन किए हैं तो मल्टीप्लीकेशन सिंपली मल्टीप्लीकेशन है तो ए इन्वर्स डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो ही होने वाला है नाउ ए इनवर्स डॉट ए क्या होगा ई e हो जाएगा बाई इनवर्स लॉ इनवर्स लॉ एफ क्या है इन फील्ड है तो इन्वर्स लॉस में एग्जिस्ट करता है सो ए इन्वर्स डॉट ए इज इक्वल टू ई हो गया और e डॉट b क्या हो गया क्योंकि वहाँ पे आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड हो रहा है सो तो e डॉट b हो गया b तो b इज इक्वल टू जीरो मिल गया मतलब कि अगर हम a को नॉन जीरो माने थे तो b जीरो मिल गया इसका मतलब अगर ए बी इज इक्वल टू जीरो होगा तो अगर a नॉन जीरो है तो b जीरो होगा यही कंडीशन है नो प्रॉपर जीरो डिविजर का जिसको हमको प्रूव करना था और सिमिलरली अगर हम b को नॉन जीरो माने और सिमिलरली यही वाला चीज़ अप्लाई कर दे उसमें ही दैट इज़ प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई कर दे बी इनवर्स से तो हमको मिलेगा ए इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स कि अगर ए बी जीरो हो रहा है तो आइदर ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा दैट इज़ कि हम ये प्रूव किए कि अगर ए को नॉन जीरो माने थे तो बी जीरो आ गया और अगर ए को और बी को नॉन जीरो मानेंगे तो ए जीरो आ जाएगा दैट मीन्स कि एफ जो है वो उसके पास नो प्रॉपर जीरो डिवीज़र है और अगर नो प्रॉपर जीरो डिवीजर है एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के पास क्योंकि एफ़ एक फील्ड भी है तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के पास अगर नो प्रॉपर जीरो डिवीजर होता है तो वो क्या होता है इंट्रीगल डोमेन भी हो जाता है सो बाय द डिफिनेशन जो हम लोग अभी तक प्रूव किए उससे क्या समरी निकाले कि एफ़ अंडर एडिशन एंड शन इज ऑल्सो एन इंट्रीगल डोमेन सो फर्स्ट पार्ट हम लोग तो प्रूफ कर दिए सेकेंड पार्ट में हम लोग को कन्वर्स इज नॉट ट्रू प्रूफ करना है सो so उसके लिए हम लोग क्या करेंगे उसके लिए हम लोग एक इंटरीगल डोमेन को पकड़ेंगे और फिर ये दिखाएंगे कि उसमें इन्वर्स लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन होल्ड नहीं हो रहा है दैट इज़ कि हमको इंट्रीगल डोमेन को ये प्रूव करना है कि वो जरूरी नहीं कि फील्ड होगा ठीक है सो क्योंकि हम ये पहले ही प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो एक इंट्रीगल डोमेन है सो so, उसी को हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं सो so, हम लोग लेट आई ये सेट ऑफ इंटीजर्स बी ए सेट ऑफ इंटीजर्स हम लोग को पता है कि जो आई है वो एक इंट्रीगल डोमेन है दैट मीन्स कि वो कमोटेटिव रिंग विथ यूनिटी है ठीक है सो इसको हम लोग को क्या देखना होगा कि कि ये फील्ड होने के लिए हम लोग को इन्वर्स लॉ बस क्योंकि तो सब कुछ सही चल रहा है तो फील्ड हो जाएगा सो so, हम डायरेक्टली यही वाला कंडीशन को अब चेक करेंगे सो so, अगर हम टू दैट इज कोई भी एलिमेंट हमको लेना था तो अगर हम आर्बिट्री कोई भी एलिमेंट दैट इज टू को पकड़े सो so, अगर हम टू का इन्वर्स क्या लेंगे अंडर एम uh, मल्टीप्लीकेशन हम लोग को लेना है सो so, टू का इन्वर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा वन बाई टू दैट इज टू इंटू वन बाई टू वन बाई टू इंटू टू इज इक्वल टू वन जो कि आई में बिलोंग कर रहा है दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट तो आई में बिलोंग कर रहा है क्योंकि वन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करता है मगर जो वन बाई टू है दैट इज ए का इन्वर्स वही आई में बिलोंग नहीं करता दैट मीन्स कि वन बाई जो टू है वही सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करता है सो so, हमारा जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो एक फील्ड नहीं है ठीक है दैट इज इनवर्स लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन इज नॉट सेटिस्फाइड देयर वी कैन से दैट आई इज नॉट अ फील्ड जो हमको प्रूफ करना है ठीक है सो so, यहाँ पे प्रूफ हो गया थ्योरम ठीक है सो so, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर आई फील्ड नहीं है तो क्या फील्ड हो सकता है तो रैशनल नंबर एक फील्ड है और वो इंट्रीगल डोमेन भी है ठीक है सो so, क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए ये बोला है कि एवरी फील्ड नेसेसरी है इंट्रीगल डोमेन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू मतलब कि जरूरी नहीं कि हर इंट्रीगल डोमेन फील्ड होगा होगा कुछ होगा बट कुछ नहीं भी होगा ठीक है सो वी हैव प्रूव दैट एवरी फील्ड इज नेसेसरी इन इंट्रीगल डोमेन बट एवरी इंट्रीगल डोमेन इज नॉट अ फील्ड ठीक है